नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव। नजर डालते हैं हर जगत की बड़ी खबरों पर। दुर्लभ जानवरों की हो रही है ऑनलाइन तस्करी। जानवरों की गैर कानूनी खरीद फरोख्त के लिए स्नैपडील, अमेजोन, क्विकर, ओएलएक्स और यूट्यूब जैसी वेबसाइटों का किया जा रहा है इस्तेमाल। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी मोबाइल यूजर अपने साधारण फोन से आसानी से पैसों का कर सकेंगे ऑनलाइन लेन देन। यूपीआई पर रघुराम राजन ने जताई खुशी। यूपीआई का एक बेहतर प्रारूप इस महीने के अंत तक होगा उपलब्ध। सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 0.1% की गिरावट। सेंसेक्स में 48.58 की गिरावट तो वहीं निफ्टी में 8498 अंक की गिरावट। देश में मोबाइल फोन ग्राहकों की संख्या 77.6 के पार। उद्योग संगठन COAI ने एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सहित कई अन्य कंपनियों के आधार पर रिपोर्ट किया जारी। इन कंपनियों में एयरटेल नंबर 1 पर। NCR में 50,000 डीजल कारों का भविष्य हुआ खत्म। दिल्ली से सटे गुड़गांव में करीब 30,000 डीजल गाड़ियां हैं मौजूद। NGT ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का किया है फैसला। आज जगत में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।